हम आपको तोड़ कर दिखाते कितना सॉफ्ट बना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नन्ना किचन रेसिपी में। आज हम बनाएंगे सिर्फ तीन चीज़ों से दिवाली स्पेशल स्वीट। यहाँ पर हमने कढ़ाई रख दिए हैं, इसमें एक गिलास दूध डाल देंगे, इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। आप यहाँ पर हमने चीनी पीसी हुई ली है, नहीं है तो चीनी को पीस कर ले लीजिए। यहाँ हम चार चम्मच चीनी डाल देंगे, आप चीनी अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। अब यहाँ हमने दो चम्मच रिफाइंड ऑयल लिए हैं, ये डाल देंगे। आप ऑयल की जगह घी ले सकते हैं। इन सबको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। यहाँ हमने एक कप मिल्क पाउडर लिए हैं, ये डाल देंगे। अभी गैस को ऑन नहीं किए हैं, अब इसी तरह सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, अब हम गैस को ऑन कर देंगे। अब इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। अब इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये जो मिक्सर है तो कढ़ाई छोड़ने ना लगे। यहाँ पे उबलने लगा है, इसी तरह से हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे, नहीं तो ये नीचे से जलने लगेगा। इसी तरह से हम पकाएंगे, गैस का फ्लेम लो रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे और गाढ़ा हो चुका है, इसी तरह से पकाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया, इसे और इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे जब तक जो इसे तब तक पकाएं जो ये मिक्सर है इकट्ठा ना होने लगे। ये देखिए बिल्कुल ठीक होने लगा, इस तरह से हो गया है। और एक से दो मिनट इसे इसी तरह से पकाएंगे। अब इन सबको इकट्ठा कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है, तब हम गैस को बंद कर देंगे, इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ हमने इसे निकाल लिया, तब इसे इसी तरह ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे अच्छी तरह ठंडा हो चुका है, तो इसे हाथों से मसल लेंगे, इसे बिल्कुल स्मूथ बना देंगे। अब इसे हम रोल करेंगे जैसे बिल्कुल स्मूथ। देखिए रोल हो चुका है। तो यहाँ हमने पिस्ता और बादाम को बारीक काट कर ले लिया है, इस तरह से डाल देंगे। और फिर ये जो बना कर रखे हैं, और फिर इसे इस तरह से रोल कर लेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। अब इसे हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुका है, इसे फ्रिज में से निकालिए। अब इसे हम कट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ हमने सारे कट कर लिए हैं। हमने थोड़ा सा पिस्ता बचाए थे, तो इसके ऊपर से इस तरह से रख देंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। कितना लाजवाब बर्फी बनी है ना, देख हम आपको तोड़ कर दिखाते कितना सॉफ्ट बना। इस तरह से भी बना सकते हैं,
दोस्तों आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।